नमस्कार, मैं हूँ रीमा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन वन। सोशल मीडिया पर आए दिन प्रेम प्रसंग के चलते कुछ घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जहां पर देखा जाता है कि कई बार माँ बाप शादी के लिए राज़ी नहीं होते हैं, कई बार एक तरफा जो प्यार होता है उसमें दिक्कतें आती हैं और ये सब सोशल साइट्स पर आए दिन हमें देखने को मिलता है। ऐसी ही एक घटना देहरादून के MKP कॉलेज का जो चौक है वहाँ पर हुई। आपको बता दें कि कुछ कार सवार युवकों ने एक युवक को भरे बाजार में लोगों के बीच से किडनैप कर लिया। बताया जा रहा है कि वो जो युवक है वो बिहार का रहने वाला है और ये किडनैपिंग भी प्रेम प्रसंग के चलते हुई है, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। साथ ही पुलिस प्रशासन की बात करें तो मामला दर्ज कर लिया है और जो युवक जो पीड़ित है उसका फ़ोन या जो अपहरण करता है उनका फ़ोन बंद होने की वजह से कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही है पुलिस को, जिस वजह से अभी तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ इस पर काम कर रहा है। हर थाने में सूचना भी दे दी गई है, गाड़ियों को चेक भी किया जा रहा है और हर तरफ नाकेबंदी भी लगा दी गई है। MKP चौक से कार सवारों को ने युवक का अपहरण कर लिया है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित और संदिग्ध अपहरणकर्ताओं के मोबाइल नंबर बंद होने के चलते देहरादून पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। पीड़ित युवक बादल मूल रूप से ग्राम कोलापुर थाना समस्तीपुर बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि शहर के पॉश एरिया MKB चौक से कार सवारों ने युवक का अपहरण कर लिया। मामला प्रेम प्रसंग का है। घटना के बाद पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है। साथ ही बिहार में स्थानीय पुलिस व ग्राम प्रधान से भी पुलिस ने संपर्क किया है। पीड़ित व संदिग्ध अपहरणकर्ताओं के मोबाइल नंबर बंद होने के चलते पुलिस को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। पुलिस के अनुसार 24 वर्षीय बादल मूल रूप से ग्राम कोलापुर थाना समस्तीपुर बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं MKP चौक के निकट निर्माणाधीन मकान में परिवार के साथ रहता था युवक और यहां पर मजदूरी किया करता था। वहीं शनिवार शाम को उसे कुछ लोग कार में बैठा कर ले गए। घटना के बाद युवक की माँ आराघर पुलिस चौकी पहुंची और तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर शहर में आने जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी की। जगह जगह चेकिंग शुरू की गई लेकिन अब तक युवक का पता नहीं लग सका है। स्वजन ने पुलिस को बताया कि बादल बिहार के समस्तीपुर की युवती के संपर्क में था। अब ऐसे में उन्होंने युवती के स्वजन पर बादल के अपहरण का संदेह जताया है। पुलिस ने बादल के मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन नंबर बंद है। वहीं चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। साथ ही युवती के स्वजन से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनके नंबर भी बंद बताए जा रहे हैं। SP सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि युवक का अभी पता नहीं लग पाया है, चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है। बिहार के समस्तीपुर के ग्राम प्रधान भी वहां की स्थानीय थाना पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।